ओके ट्रिग्नोमेट्री पहले ये कर लेते हैं, वो कर लेंगे। चलो ध्यान से देखो इधर, चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, सबसे पहले नाम से ही शुरू करते हैं। ओके, नाम में क्या है भाई? ट्रिगो। ट्रिगो का मतलब ट्राइंगल, और मेट्री का मतलब मेजर या कैलकुलेशन। ठीक, तो बात की जाएगी कैलकुलेशंस रिलेटेड टू ट्राइंगल, है ना? क्या होगा? कैलकुलेशंस रिलेटेड टू ट्राइंगल। और कौन से ट्राइंगल की बात की जाएगी यहां पे? स्पेसिफिकली राइट एंगल ट्राइंगल की बात की जाएगी। ओके, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब जरा एक बार हम राइट एंगल ट्राइंगल को देख लेते हैं। अगर हम किसी एक राइट एंगल ट्राइंगल को देखें, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में आपको ऑब्वियसली तीन साइड्स मिलेंगे और तीन एंगल मिलेंगे। ठीक है, तीन साइड्स यानी कि फॉर एग्जांपल ए बी, बी सी और ए सी, तीनों साइड्स हो गए और तीन एंगल्स भी होंगे, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। नॉर्मली यहां पे जो राइट एंगल, राइट एंगल है, राइट एंगल कहां पे? इसका कुछ खास काम नहीं होगा इधर। ठीक है, इसका कुछ खास काम नहीं होने वाला है। तो इन शॉर्ट यहां पे हम जो कैलकुलेशंस करेंगे ना, वो मेनली करेंगे इन पांच चीजों से। राइट एंगल को छोड़ दो, वो कांस्टेंट है, वो फिक्स रहता है। ठीक, अब कौन से ऐसे कैलकुलेशन हम करने वाले हैं इस ट्राइंगल में, उसकी बात कर ले जरा। कौन से स्पेसिफिकली, कौन से स्पेसिफिक कैलकुलेशन हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री में, हम क्या बेसिकली पढ़ते हैं, है ना? ये सारी चीजें अब देखो, इतना तो क्लियर है भाई कि हम लोग पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट या कैलकुलेशन रिलेटेड टू ये साइड्स और ये एंगल्स। इसका मतलब साइड्स और एंगल्स से रिलेटेड कुछ पढ़ेंगे, राइट? तो हम लोग एक्चुअली रिलेशन पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग एक्चुअली क्या पढ़ेंगे? रिलेशन, ये लो। ठीक है, हम लोग एक्चुअली क्या पढ़ेंगे? रिलेशन, एंगल का रिलेशन किसके साथ? साइड्स के साथ। ठीक, अभी आपके सिलेबस में जो है ना मेनली, उसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? एंगल का रिलेशन किसके साथ? साइड्स के साथ। और कैसा रिलेशन? देखो, हाँ जी, क्या पढ़ने वाले हैं? रिलेशन ऑफ एंगल्स विद साइड्स, नहीं, रेशियोज ऑफ साइड्स, रेशियो के, है ना, साइड्स का रेशियो। अब अगर साइड्स के रेशियो की हम बात कर रहे हैं, तो कैसे कैसे रेशियोज हो सकते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किसी दो साइड का रेशियो होगा और उसका क्या रिलेशन होगा उसके एंगल के साथ, अब वो जानो। सबसे पहले यही जान लेते हैं कि किसी दो साइड का रेशियो, फॉर एग्जाम्पल परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। ठीक, फॉर एग्जाम्पल परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स रहता है, जो लॉन्गेस्ट साइड है ये क्या हो जाएगा? ये हाइपोटेन्यूज, लॉन्गेस्ट साइड। ठीक, अब अगर आप इस एंगल के परस्पेक्टिव से देख रहे हो, बहुत जरूरी बात है ये, ध्यान से सुनना, अगर आप इस एंगल के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, तो ये बन जाएगा बेस, बीसी बन जाएगा बेस, और परपेंडिकुलर कौन बन जाएगा? एबी। इन शॉर्ट, कोई भी एंगल, कोई भी एंगल का मतलब ये 90 डिग्री को छोड़कर, चाहे एंगल सी चाहे एंगल ए, ठीक है, 90 डिग्री को नहीं देखना है। तो कोई सा भी एंगल एक्सेप्ट फॉर एंगल बी,
इन दोनों में से कोई भी एक एंगल कोई भी एंगल बनेगा किससे, एक हाइपोटेन्यूज से बनेगा और दूसरा बेस से बनेगा। अब हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स्ड है, एसी इज दी हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड, ये तो चेंज नहीं होगा, तो फिर बेस और परपेंडिकुलर चेंज होगा, राइट। अब अगर एंगल सी ले लेते हो, एंगल सी बनता है हाइपोटेन्यूज से और बेस से, तो हाइपोटेन्यूज तो यही है, इसका मतलब बेस ये बन जाएगा बेस, राइट। उसके बाद अगर आप एंगल ए के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो फिर से एंगल ए बनेगा हाइपोटेन्यूज से एंड बेस से, हाइपोटेन्यूज तो यही है फिक्स्ड, इसका मतलब बेस कौन बन जाएगा, ए बी, क्लियर है। फिर से बात करते हैं, अगर हम एंगल सी के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो ये एंगल बनेगा हाइपोटेन्यूज से एंड बेस से, ये रहा हाइपोटेन्यूज और ये रहा बेस, तो परपेंडिकुलर बन जाएगा ए बी, क्लियर है एकदम। डिपेंड करता है कि आप किस एंगल के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो उस ट्राइंगल को, एंगल सी से देख रहे हो तो सी के लिए ये बीसी बेस है और ए बी परपेंडिकुलर है, डन, हाइपोटेन्यूज तो हमेशा यही रहेगा। अगर एंगल ए की तरफ से देख रहे हो तो एंगल ए साइड ए बी बन जाएगा बेस और बीसी बन जाएगा परपेंडिकुलर, फिर से हाइपोटेन्यूज ए सी ही रहने वाला है, कोई दिक्कत इसमें, डन, ठीक है। तो ऐसा है, यही परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, बेस, इन दोनों में से, इन तीनों में से किसी दो साइड के रेशियो का वैल्यू चेंज होता है विद चेंज इन एंगल। इसका मतलब हम जैसे जैसे एंगल को चेंज करेंगे, एंगल सी और एंगल बी में से किसी एक का एंगल अगर आप बढ़ाओ या घटाओ, एंगल बढ़ाने से या घटाने से रेशियो ऑफ साइड्स चेंज होता है, चेक करते हैं, ठीक है। चलो मान लो मैंने ये एक ट्राइंगल ले लिया, ठीक है, डन। अब यहां पे फॉर एग्जांपल ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा सी, एंगल कौन सा वाला 90 है यहां पर, बी, 90 का भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, ओके। अब एक काम करते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, अब एक काम करते हैं, हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशियो पे ध्यान देंगे, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशियो पे ध्यान देंगे। कब, जब मैं इस एंगल को चेंज करूंगा तब हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशियो पे ध्यान देंगे, ये बढ़ता है या घटता है चेक करते हैं, ठीक है। चलो देखो, एंगल सी पे ध्यान देना, एंगल सी को मैं अभी बढ़ाऊंगा और घटाऊंगा दोनों करूंगा, ठीक है। चलो पहले बढ़ाते हैं, देखो ये एंगल बहुत कम है, एकदम कम एंगल है, चलो इसको और कम कर दे, मैं बेस को सेम रखना चाह रहा हूं, ठीक है, एंगल एकदम कम है, हमें किस पे ध्यान देना है, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, ये रहा परपेंडिकुलर और ये रहा। अब देखो मैं एंगल बढ़ा रहा हूं एंगल, जब मैं एंगल बढ़ा रहा हूं तो परपेंडिकुलर ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है और हाइपोटेन्यूज धीरे धीरे बढ़ रहा है, आया समझ। जब मैं एंगल को मैंने अगर बढ़ाया तो यहां पे परपेंडिकुलर ज्यादा तेजी से बढ़ा और हाइपोटेन्यूज धीरे धीरे बढ़ा, ठीक। इसका मतलब जैसे जैसे मैं एंगल को बढ़ाऊंगा, इसका मतलब ये जो परपेंडिकुलर वाला वैल्यू है ये तेजी से बढ़ेगा और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ेगा। इसका मतलब अगर मान लो परपेंडिकुलर पहले 2 सेंटीमीटर था और हाइपोटेन्यूज 10 सेंटीमीटर था, फिर मैंने एंगल को बढ़ाया तो ये जो परपेंडिकुलर है ये बहुत तेजी से बढ़ेगा, ठीक। 2 से ये हो गया मान लो 10 और हाइपोटेन्यूज बढ़ के मान लो हो गया 12। तो जैसे जैसे मैं एंगल बढ़ा रहा हूं तो पी और एच का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, ठीक। चलो एक काम और करते हैं, अब एक दूसरी चीज, एंगल को मैं बढ़ाऊं, फॉर एग्जांपल और बढ़ा दूं, देखो एंगल बढ़ा रहा हूं, ठीक है, ये वाले एंगल पे ध्यान दो, ये बढ़ते बढ़ते 90 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये देखो ये बढ़ते बढ़ते क्या हो गया, जैसे ही ये 90 होगा तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर दोनों इक्वल हो जाएगा, हुआ,
ठीक, ये अभी 90 है क्या? नहीं, 30-40 के आसपास होगा, 30-40 के आसपास होगा। बढ़ाकर मैं 90 कर रहा हूं, जैसे 90 करूंगा ये हाइपोटेन्यूज और ये परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इक्वल। ठीक, तो इन शॉर्ट जब मैं एंगल को 90 डिग्री कर दे रहा हूं, ध्यान से देखना, जब मैं एंगल को 90 डिग्री कर दे रहा हूं, तब पी और एच का वैल्यू, पी और एच का रेशियो क्या हो जा रहा है, 1। क्यों भाई 1 कैसे बोल दिया मैंने, क्योंकि यहां पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, मान लो परपेंडिकुलर 10 सेंटीमीटर था तो हाइपोटेन्यूज भी कितना हो गया था, क्योंकि दोनों इक्वल हो गया था, याद है? ठीक, जब मैंने इस एंगल को 90 डिग्री किया तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, इक्वल। अगर मैंने मान लो परपेंडिकुलर 10 सेंटीमीटर लिया तो हाइपोटेन्यूज भी उसी के इक्वल हो गया, 10 सेंटीमीटर के इक्वल हो गया। इसका मतलब ये दोनों कट के कितना आएगा वैल्यू, ये दोनों कट के एंगल आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा 1। इसका मतलब चलो हम यहां से कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इसका मतलब कंक्लूजन ये निकलता है कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज का रेशियो एट 90 डिग्री, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज का रेशियो एट 90 डिग्री कितना आता है, 1। परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज का रेशियो एट 90 डिग्री कितना आया, 1। ठीक, एक कंक्लूजन हो गया हमारा। ठीक है, एक और कंक्लूजन लेते हैं। चलो अभी तो मैंने 90 किया था, अब एक काम करते हैं, इस एंगल को जीरो करके देखते हैं। ठीक है, इस एंगल को कम करते करते क्या कर देते हैं, जीरो। ठीक, चलो देखो, जैसे ही मैं इस एंगल को कम कर रहा हूं तो परपेंडिकुलर कम हो रहा है ना, देखो परपेंडिकुलर कम हो रहा है, ये एंगल कम हो रहा है तो परपेंडिकुलर कम हो रहा है। जैसे ही ये एंगल जीरो होगा तो परपेंडिकुलर गायब, मतलब परपेंडिकुलर जीरो। तो एट जीरो डिग्री पे क्या हो रहा है, जीरो डिग्री पे एट थीटा इक्वल्स टू जीरो डिग्री, जब थीटा एंगल ट्रिग्नोमेट्री में एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जब हम थीटा को जीरो डिग्री कर रहे हैं तो यहां पे हमारा परपेंडिकुलर कितना हो जा रहा है, जीरो सेंटीमीटर का हो जा रहा है, परपेंडिकुलर हो जा रहा है जीरो सेंटीमीटर। तो इस केस में परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज का वैल्यू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो गया जीरो और हाइपोटेन्यूज का आप कुछ भी वैल्यू रख दो अपनी मर्जी से, 10 सेंटीमीटर रख देते फिलहाल, तो जीरो अपॉन में 10 कितना आ जाएगा, जीरो, जीरो अपॉन में 10 जीरो। इसका मतलब ये कंक्लूड हम कर सकते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज का रेशियो एट जीरो डिग्री इज इक्वल्स टू जीरो। ये दो कंक्लूजन याद रखना है। ठीक, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज का रेशियो 90 डिग्री पे कितना आया था, 1। यहां पे रीजन लिख देते हैं, रीजन क्या होगा भाई, रीजन होगा क्योंकि एट 90 डिग्री परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज, 90 डिग्री में परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज इक्वल हो जाता है, अभी दिखाया था। और यहां पे रीजन क्या होगा, यहां पे रीजन होगा एट जीरो डिग्री परपेंडिकुलर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, क्योंकि जीरो डिग्री पे परपेंडिकुलर जीरो हो जाता है, तो ये जीरो बाई टेन इज जीरो, इसीलिए परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज एट जीरो डिग्री क्या बन जाएगा, जीरो। ठीक, अब ये दो जो हम लोगों ने एग्जाम्पल किया है, इन दो एग्जाम्पल से क्या समझ में आ रहा है, एक कंक्लूजन तो क्लियर है ना, इन दो एग्जाम्पल से एक कंक्लूजन क्लियर है कि जैसे जैसे हम इस थीटा के वैल्यू को बदलते हैं, यहां पे हम लोगों ने थीटा कितना लिया था, जैसे जैसे हम इस थीटा के वैल्यू को बदलते हैं, एंगल जैसे जैसे चेंज करते हैं, जैसे जैसे हम एंगल को चेंज करते हैं तो साइड्स के रेशियो का वैल्यू चेंज हो जाता है। पहला ओके, ये जो अब रेशियोज हैं, हम लोगों ने सिर्फ एक रेशियो पढ़ा, पी और एच, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, सिर्फ एक रेशियो पढ़ा, और भी रेशियोज हो जैसे कि एच बाई पी है ना, फिर एच बाई बी, बी बाई एच वगैरह वगैरह, और भी रेशियोज होंगे, सारे रेशियोज को अलग अलग नाम दिया गया है। ठीक, तो उनको याद आप कैसे रख सकते हैं, एक सिंपल सा, ये अलग अलग सबका जुगाड़ होता है। ठीक है,
जब मेरा ये वाला चल रहा तो मैं यही वाला याद, तुम लोगों का पता नहीं क्या पाकिस्तान हरा भरा वगैरह वगैरह जो जो भी है तुम लोगों का, ठीक है, और वो हर हर बोले वगैरह वगैरह जो भी है, कोई सा भी जुगाड़ इस्तेमाल करो याद होना चाहिए, ठीक है। तो मेरा तो ये वाला है भाई, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक, ठीक है, ध्यान सुनो। सम स्टैंड फॉर एस, एस फॉर साइन, ठीक है। साइन किसका रेशियो होता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का, परपेंडिकुलर और एक हो गया, उसके बाद यहां तक हो गया, उसके बाद सी फॉर कॉस, कॉस होता है बेस और हाइपोटेन्यूज का, उसके बाद तीसरा टाइटली यानी कि टी फॉर टैन, टाइटली पुल्ड, पी फॉर परपेंडिकुलर एंड बी फॉर बी फॉर बेस। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक, तीनों हो गया। अब ध्यान से देखो, ये तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज है, व्हाट अबाउट हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर? तो अगर इसी का रेसिप्रोकल कर दिया जाए, हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर की बात की जाए, अगर हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर की बात की जाए, तो साइन ये रेसिप्रोकल हो गया, तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, ठीक। अगर P अपॉन में H है तो उसको साइन बोलेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज है तो उसको क्या बोलेंगे? साइन। लेकिन अगर हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर है तो उसको क्या बोलेंगे? कॉसेक, ठीक। उसके बाद दूसरा, अगर बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज है तो उसको हम बोलेंगे कॉस, लेकिन अगर हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस आया तो उसको क्या कहेंगे? सेक। तीसरा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस है तो उसको टैन बोलेंगे, लेकिन अगर इसी का रेसिप्रोकल हुआ, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर हुआ तो इसको कहेंगे कॉट। ये छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, क्लियरली मैं बता रहा हूं, ये है रेशियोज, आपने देख लिया है ना, ये रेशियो ही तो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तीन बेसिक होते हैं, जो है साइन कॉस एंड टैन, और बाकी के तीन उसके रेसिप्रोकल होता है। क्यों नहीं होता? बिल्कुल होता है। डन, जल्दी करो। चलो देखो अब आगे। हाँ जी, सब लोग इधर ध्यान दीजिए। देखो, हम लोगों ने वैसे इस ट्राइंगल को चेंज करके, उसके एंगल्स को चेंज करके, है ना, हम लोगों ने, ध्यान से देखो इधर, हम लोगों ने इस एंगल के, इस ट्राइंगल के, ठीक है, बातचीत नहीं, हम लोगों ने इस ट्राइंगल के एक एंगल को बढ़ा घटाकर एक या दो एंगल आसानी से हम निकाल सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने यहां पे दो निकाल रखा है, 90 डिग्री के पे कितना वैल्यू है? 1, 0 डिग्री पे कितना है? 0, है ना। इसी तरीके से 0 से लेकर 360 डिग्री तक हर एक एंगल पे, ठीक, 0 से लेकर 360 डिग्री तक हर एक एंगल पे ये जो रेशियो है ये बदलता है। तो 360 वैल्यूज हो गए किसके, ध्यान से सुनो, 360 वैल्यूज हो गए किसके? P अपॉन में H के, हर एक एंगल पे 360 वैल्यूज अलग अलग हो गए, ठीक। उसके बाद 360 वैल्यूज हो जाएंगे H बाई P के, 360 इसके होंगे, 360 इसके, 360 इसके, 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 राइट। ICSE बुक के आखिरी वाले पन्नों में इन सब का 360 वैल्यूज लिखा होता है, तुम लोगों के बुक में बाय द वे नहीं है। हाँ, जैसे कि साइन का 360 वैल्यू अलग अलग लिखा होगा, कॉस का लिखा होगा, टैन का लिखा होगा, कॉसेक, सेक, कॉट, सबका लिखा होगा। तो इस तरीके से इतने सारे वैल्यूज तो हम याद नहीं रख सकते, राइट। तो आपके सिलेबस में सिर्फ 5 एंगल्स हैं जिनके वैल्यूज को आपको जानना है, वो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। यानी कि साइन का वैल्यू 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 60, 45, 90, ये सब जानना है। फिर कॉस, टैन वगैरह वगैरह, मतलब एक टेबल बनेगा, और वो टेबल आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक छोटा सा ट्रिक है,
ठीक, उससे आप सिर्फ साइन का वैल्यू, अगर आपने किसी तरीके से साइन का वैल्यू याद रख लिया तो बाकी सब खुद ब खुद हो जाएगा। ठीक है, पूरे टेबल में, पूरे टेबल को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ साइन का वैल्यू अगर याद रखो। देखो जैसे मैं बता रहा हूं, साइन जीरो इज जीरो, वन बाई टू थर्टी का वैल्यू, साइन जीरो इज जीरो, साइन थर्टी इज वन बाई टू, साइन फोर्टी फाइव इज वन बाई रूट टू, साइन सिक्सटी इज रूट थ्री बाई टू एंड साइन नाइनटी इज वन। सिर्फ इतना याद कर लो, पूरा टेबल हो जाएगा। और इसे भी याद नहीं करना है तो उसके लिए भी जुगाड़ है। ठीक है, तो चलो टेबल बनाना सीख ले पहले, बड़ा ही आसान होगा। ठीक है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट, ओके। एंगल्स कौन कौन से होंगे भाई? जीरो डिग्री, थर्टी डिग्री, फोर्टी फाइव डिग्री, सिक्सटी डिग्री, नाइन्टी डिग्री। ओके, देखो, चलो देखो अब टेबल कैसे बनना है। ओके, हमें स्टार्ट करना है जीरो से। यहां जीरो डिग्री है तो यहां भी जीरो से लिखना है, जीरो डिग्री नहीं लिखना है, ऑब्वियसली जीरो लिखना है, जीरो वन टू थ्री फोर। और ये मत पूछना कि जीरो से वन फोर क्यों लिखा, जुगाड़ है। ठीक है, हाँ जी, ये जुगाड़ है, ऐसा कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं होगा इसका। ठीक है, तो जीरो से नाइनटी ऊपर, जीरो से फोर नीचे, डन। फोर तक है तो सबको डिवाइड बाई फोर कर देना है, सबको डिवाइड बाई फोर, उसके बाद सब पे अंडर रूट डाल देना है। ठीक है, अब सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगा उसको साइन में डाल देना है। जैसे कि सबसे पहला, सबसे पहला क्या है, रूट जीरो बाई फोर, रूट जीरो बाई फोर, जीरो बाई फोर इज जीरो, रूट जीरो इज जीरो, तो सबसे पहला क्या आ गया, जीरो। क्लियर है, डन। दूसरा रूट वन बाई फोर, चलिए देखिए रूट वन बाई फोर, ये रहा रूट वन अपॉन में फोर, ये रूट वन पे भी है और फोर पे भी है, तो आप लिखोगे रूट वन अपॉन में रूट फोर, रूट वन का वैल्यू वन और रूट फोर का वैल्यू टू, तो ये आ गया वन बाई टू। ठीक है, उसके बाद तीसरा रूट टू अपॉन में फोर, ये रहा रूट टू अपॉन में फोर, पहले तो ये अंदर डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर दो, टू वन जा टू टू जा, क्या जाएगा रूट वन बाई। अब ये रूट वन पे भी है और रूट टू पे भी है, रूट वन क्या बनेगा वन और रूट टू का वैल्यू हम ऐसे ही लिख देंगे, कोई दिक्कत? तो यहां पे लिखेंगे वन अपॉन में रूट टू। ठीक, तीसरा रूट थ्री बाई फोर, चलिए ये रहा रूट थ्री बाई फोर, अब ये जो रूट है ये थ्री पे भी है और ये जो रूट है ये फोर पे भी है, रूट थ्री का तो रूट थ्री ही लिखेंगे लेकिन रूट फोर क्या बन जाएगा टू, तो इसे हम लिख देंगे रूट थ्री बाई टू, हो गया। अब आखिरी है रूट फोर बाई रूट फोर, रूट फोर बाई फोर, ये तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा रूट वन, रूट वन इज वन। यहां तक क्लियर है मामला? मैंने क्या बोला, अगर साइन का वैल्यू आपको मिल चुका है जो कि मैंने बताया था जीरो वन बाई टू वन बाई रूट टू रूट थ्री बाई टू एंड वन, साइन का वैल्यू मिल गया, इसका मतलब पूरा टेबल तैयार है, समझ लो। कैसे? देखो
अब ये जो कॉस है, कॉस के वैल्यू को उधर से लिखना शुरू करो, वन रूट थ्री बाई टू, वन बाई रूट टू, उसके बाद वन बाई टू और फिर जीरो, उधर से लिखना शुरू कर दिया। रेसिप्रोकल नहीं कहते हैं इसको, कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जो आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। साइन एंड कॉस क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता है। साइन एंड कॉस क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि फॉर एग्जाम्पल साइन 30 का वैल्यू इक्वल होगा कॉस 60 के, क्योंकि 30 और 60 मिलके कितना होता है 90। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसको कहते हैं? जिनका सम मिलकर कितना हो 90 डिग्री। तो साइन और कॉस एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, यानी कि साइन 30 का वैल्यू इक्वल होगा कॉस 60 के, क्योंकि 30 और 60 मिलकर होता है 90। तो इसीलिए कॉस को लिखने के लिए हम उधर से शुरू करते हैं। रीजन ना भी जानो तो जरूरी नहीं है, वैसे जान लो तो अच्छी बात है, आता है ठीक। और बिना टेबल के आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। अगर टेबल नहीं पता है तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? चलो ठीक है, तो साइन लिख दिया, कॉस उधर से लिख दिया उल्टा, ठीक। अब देखो साइन और कॉस लिखने के बाद, साइन का रेसिप्रोकल अभी मैंने बताया था कौन होता है, साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है? कॉसेक। तो कॉसेक का वैल्यू हम क्या लिखेंगे? कॉसेक का वैल्यू साइन का रेसिप्रोकल लिखेंगे। ये जीरो है, यानी कि जीरो बाई वन है, जीरो का मतलब जीरो बाई वन। तो यहां पे हम लिखेंगे वन अपॉन में जीरो, देखो ध्यान से, यहां पे हम लिखेंगे वन अपॉन में जीरो, ये जीरो अपॉन में वन, इसको लिख देंगे वन अपॉन में जीरो। कॉसेक जो है साइन का रेसिप्रोकल होता है ना, रेसिप्रोकल यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जगह उल्टा हो जाएगा। तो अगर ये जीरो अपॉन में वन है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं वन अपॉन में जीरो, और वन अपॉन में जीरो का वैल्यू होता है नॉट डिफाइंड, ठीक। देखो ध्यान से, जीरो का मतलब जीरो बाई वन, जीरो बाई वन का मतलब जीरो। अब इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? अगर जीरो अपॉन में वन का रेसिप्रोकल हम निकाले तो वन अपॉन में जीरो, और कोई भी नंबर ऊपर नंबर हो, न्यूमरेटर में नंबर हो और डिनोमिनेटर में जीरो हो, ठीक, तो ये बन जाता है नॉट डिफाइंड। डिनोमिनेटर में याद करो, रेशनल नंबर में हम लोगों ने एक कंडीशन पढ़ा था, रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, जहां क्यू शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। क्यों भाई? क्योंकि अगर क्यू जीरो हो गया तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक। तो इसीलिए यहां पे ये जीरो है, यानी कि जीरो बाई वन है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? वन बाई जीरो, वन बाई जीरो में मतलब नॉट डिफाइंड। उसके बाद ये रहा वन बाई टू, वन बाई टू का रेसिप्रोकल टू बाई वन, टू बाई वन इज टू। उसके बाद ये है वन बाई रूट टू, इसका रेसिप्रोकल रूट टू बाई वन, वन बाई रूट टू का रेसिप्रोकल उल्टा कर दो इसको, रूट टू बाई वन, तो ये क्या बन जाएगा? रूट टू बाई वन मतलब रूट टू। उसके बाद ये है रूट थ्री बाई टू, इसका रेसिप्रोकल उल्टा कर दो, टू बाई रूट थ्री। ये वन है, वन को वन बाई वन लिखेंगे, वन बाई वन का रेसिप्रोकल भी वन बाई वन, ठीक है। अब आ जाते हैं सेक पे, सेक कैसे निकालेंगे भाई? देखो ध्यान से, साइन से क्या निकला? कॉसेक। अब कॉस से निकलेगा सेक। ये जो कॉस है इसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, ठीक। तो आप बस रेसिप्रोकल करते जाओ, वन बाई वन का रेसिप्रोकल वन, रूट थ्री बाई टू का रेसिप्रोकल टू बाई रूट थ्री। अब जरा रुक जाओ और इधर चेक करो, सेक को आप उधर से भी लिख सकते हो, देखो वन टू बाई रूट थ्री, रूट टू, टू नॉट डिफाइंड, किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, या तो इसका रेसिप्रोकल करके निकाल लो या सेक को उधर से लिखना शुरू कर दो, कोई दिक्कत? फिर से एक दफ समराइज कर रहा हूं, साइन लिखा, कॉस के लिए उधर से लिखना शुरू कर दिया, फिर साइन से निकाला कॉसेक, और सेक को लिखने के लिए उधर से लिखना शुरू कर दिया। हो गया साइन, हो गया कॉस, हो गया कॉसेक, हो गया और सेक हो गया, डन। अब बचा टैन और कॉट,
अब रही बात टैन की, तो टैन टैन जो है ना ये होता है, टैन जो होता है टैन थीटा, टैन थीटा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। टैन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये आपको पहले तो याद कर लो, दिमाग में डाल लो इसे। अब इसका प्रूफ भी देख लो, टैन क्या होता है? टाइटली पुल्ड बैक, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, डन। तो इसका मतलब इन दोनों को सॉल्व करने के बाद भी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस आना चाहिए, आना चाहिए ना। चेक करो साइन क्या होता है, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ये रहा अपॉन में कॉस कर्ली ब्राउन हेयर, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ये हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज कैंसल आउट हो गया, क्या बचा? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, सेम है। तो टैन क्या होता है? टैन होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो देखना जरा, ये जो टैन थीटा है ये होगा साइन बाई कॉस, जीरो बाई वन, जीरो बाई वन इज जीरो, जीरो बाई वन इज जीरो। उसके बाद है ये वन बाई रूट टू अपॉन में रूट थ्री बाई टू, हाँ जी, ये क्या है वन बाई टू अपॉन में रूट थ्री बाई टू, ये टू और टू कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा वन बाई रूट थ्री। तो यहां पे हम लिखेंगे वन बाई रूट थ्री, ठीक। उसके बाद ये है वन बाई रूट टू अपॉन में वन बाई रूट टू, ये है वन बाई रूट टू अपॉन में वन बाई रूट टू, ये तो पूरा पूरा कट के कितना आ जाएगा वन, ठीक। उसके बाद ये है रूट थ्री बाई वन बाई रूट टू, रूट थ्री बाई टू, ये है रूट थ्री बाई टू, रूट थ्री बाई टू अपॉन में, अपॉन में वन बाई टू, ठीक है। हाँ, टू से टू कैंसिल कर दो, क्या बचा रूट थ्री बाई वन यानी कि रूट थ्री, इसे लिख दीजिए रूट थ्री। उसके बाद है ये वन बाई जीरो, अगला है वन बाई जीरो, वन बाई जीरो इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब कॉट बचा, कॉट, कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है? टैन का। तो ये है जीरो, मतलब जीरो बाई वन, जीरो बाई वन का रेसिप्रोकल वन बाई जीरो, जीरो बाई वन का रेसिप्रोकल वन बाई जीरो, और वन बाई जीरो क्या होता है, वन बाई जीरो होता है नॉट डिफाइंड, डेनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, अगर हो जाए तो वो नॉट डिफाइंड है, तो ये बन गया नॉट डिफाइंड। उसके बाद वन बाई रूट थ्री का रेसिप्रोकल रूट थ्री बाई वन, उल्टा कर दो इसे तो रूट थ्री बाई वन का हो गया रूट थ्री। उसके बाद वन का रेसिप्रोकल वन बाई वन, वन बाई वन का रेसिप्रोकल वन बाई वन, रूट थ्री बाई वन का रेसिप्रोकल हो जाएगा वन बाई रूट थ्री, और नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल जीरो। टेबल बन गया, ठीक।